यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय ऑफिशियल रूम। सो गाइस, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ आप किस तरीके से टैब में से एफआरपी लॉक रिमूव कर सकते हैं। 2017 मॉडल का टैब है ये, T28F5YD। इसमें एफआरपी लॉक लगा हुआ है दोस्तों। इसको रिमूव करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप एफआरपी लॉक रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फ़ोन ऑन है। देखिए, अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर वाईफाई मांगेगा, वाईफाई का नेक्स्ट करते करते आई एग्री, देन चेकिंग कनेक्शन करेगा, उसके बाद फिर अपडेट, उसके बाद फिर थोड़ी देर में टाइम लेगा, फिर उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड देन ये आपकी चेकिंग इन्फो कर रहा है। ये देखिए, आपको आपकी पुरानी वाली ईमेल आईडी यहाँ मांग रहे हैं। अगर आपको पुरानी वाली ईमेल आईडी नहीं पता तो आप किस तरीके से इसमें रिमूव कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी पर चलना पड़ेगा, एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, हाईजैकर टूल, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। पहले तो आपको इसमें कॉल करानी होगी, सिंपली अपने फ़ोन को कनेक्ट कीजिएगा अपने सिस्टम से। और चलिए पहले मैं आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आप इस सिस्टम से कनेक्ट करके कॉल करा सकते हैं अपने फ़ोन में, और किस तरीके से मैसेज खुलेगा उसमें, मैसेज के थ्रू आप किस तरीके से इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए पीसी पर चलते हैं। दोस्तों, हम लोग पीसी पर आ चुके हैं, अब सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करेंगे इसमें लगा हुआ एफआरपी लॉक, ये है सैमसंग जे मैक्स, तो आप इसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं एफआरपी लॉक। बहुत ही ईजी है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। तो ईजी तरीका है एडीबी मोड के थ्रू आप किस तरीके से एफआरपी लॉक रिमूव कर सकते हैं इसमें से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफआरपी लॉक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, हाईजैकर टूल को ओपन करना होगा। हाईजैकर को टूल को ओपन करने के बाद सिंपली आपको डायलर पर जाना होगा। डायलर पर आपको टाइप करना होगा 8899767676, जो भी नंबर है आप टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आप यहाँ देख सकेंगे, देखिए कॉल हो गया, इस पर कट करके मैसेज पे चले जाइए। मैसेज के बाद आप यहाँ से मैसेज खोल सकते हैं, ओपन कर लीजिए इसे। देन ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा, गूगल के कॉमा के बटन पे क्लिक, वो इन्वर्टेड कॉमा, वो क्वेश्चन मार्क के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसमें से कुछ भी सेलेक्ट करके आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउज एंड सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। देन आपको कुछ इस टाइप का क्रोम, वो आपको गूगल खुल जाएगा, फिर आपको इसमें सर्च मारना है कैलकुलेटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर आ रहा है मेरा। कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस कोड का ध्यान रखिएगा, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूँगा। आपको टाइप करना है ब्रैकेट प्लस 3001201273+, तो आपका ये खुल जाएगा, डी आर प्रीपर मोड खुल जाएगा। देन आपको *#0808#, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। देन आपको ये सेलेक्ट करना होगा RNDIS+ACM+DM+ADB मोड। देन रिबूट करने के बाद सिंपली अपने फ़ोन को कनेक्ट करके रखना है दोस्तों, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद तो रीबूट हो रहा है हमारा दोस्तों फ़ोन, ठीक है, वेट करते हैं। आपको हाईजैकर टूल को ओपन करना होगा, चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया हमने हाईजैकर टूल। देन आपको एडीबी मोड पर जाना होगा और इस पहले रिस्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद रिमूव एफआरपी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप रिमूव एफआरपी पे क्लिक मारेंगे तो आपका फ़ोन कनेक्टिंग लेगा, ठीक है, ओके, एडीबी ओके, चेकिंग रिमूव, और ये आपका एफआरपी रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आसानी से आप अपने फ़ोन में से एफआरपी लॉक रिमूव कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो आशा करता हूँ आज मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑफिशियल रूम।